कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में विकास के लिए इसमें कोई भी योजना नहीं है। देश में औद्योगिक विकास के लिए भी कोई ठोस योजना नहीं है। बजट में विदेशी निवेश पर तो जोर दिया गया है, पर देश की अपनी बाजार व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। GST के सरलीकरण का वादा भाजपा ने व्यापारियों से किया था, पर इस बारे में भी बजट में कोई उल्लेख नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के चालू वित्त वर्ष के बजट पर निराशा व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए इसमें कोई योजना नहीं है। देश में औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। बजट में विदेशी निवेश पर तो जोर दिया गया है, पर देश में अपने बाजार व्यवस्था करने के लिए उन्हें अनदेखा किया गया है। GST के सरलीकरण का वायदा भाजपा ने व्यापारियों से किया था, पर इस बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल विस्तार को भी ठेंगा दिखाया गया है। प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार हिमाचल को विशेष महत्व और आर्थिक पैकेज से नवाजा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश से वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद केंद्रीय बजट में प्रदेश की अनदेखी से कांग्रेस पार्टी भी हैरान है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कभी FDI का खुलकर विरोध करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार आज देश में इसी को बढ़ावा दे रही है। के ये बजट जो है निराशाजनक है, और जो है जो इसमें घोषणाएं हुई हैं वो ज्यादा हवा हवाई हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में भी हमने देखा कि सरकार ने अपनी किसी घोषणा पे अमल नहीं किया। और ये बजट जो है मेरी नजर में दिशाहीन बजट है। देश में महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। समाज के किसी भी वर्ग के लिए इसमें कोई खास नहीं है। मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से FDI की तरफ भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है, ये वही पार्टी थी जो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो FDI का विरोध करती थी। और FDI को अगर ये ज्यादा इस देश में लाएंगे तो उससे हमारे व्यापारी वर्ग को नुकसान होगा और बेरोजगारी जो है ज्यादा बढ़ेगी। पहाड़ी राज्यों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। हमें उम्मीद थी कि शायद हिमाचल के लिए जो है इसमें कोई आर्थिक पैकेज होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बजट जो है निराशाजनक।